नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज में ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान एक मजदूर के बैंक अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए आने की अब जांच शुरू हो गई है। यह घटना बिहार के औरंगाबाद जिले की है। सोनू नाम का यह शख्स महाराष्ट्र के नागपुर में मजदूरी का काम करता था। बीते 10 महीने में इस मजदूर के अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए आ रहे हैं और सारी रकम की निकासी भी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए नए संसद टीवी की 15 सितंबर को शुरुआत करेंगे। यह जानकारी सूत्रों ने शुक्रवार को दी है। सूत्रों के मुताबिक इस नए चैनल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा गोपालगंज में महिलाओं के बीच रुपए बांटने के वायरल वीडियो पर जदयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर शिकायत की थी। इसके जवाब में राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि जदयू नेताओं को पंचायत चुनाव में लागू आचार संहिता का अध्ययन करना चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप का केंद्र चमोली जिले का जोशीमठ था। सुबह 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई है। जदयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के निजी सहायक बन सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अब अभय कुशवाहा ने कुछ भी नहीं कहा है और उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत भी की, लेकिन अभी उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कहा है। हरियाणा के करनाल में शनिवार को हुई बैठक के बाद किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, जिसके बाद अब किसानों का धरना करनाल में खत्म हो गया है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लाठीचार्ज मामले की न्यायिक जांच होगी। जांच पूरी होने तक तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। बिहार के अररिया जिले में पुलिस और SSB के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई कर एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 12 लाख नेपाली रुपए मिले हैं। इसके साथ ही एक बाइक भी जब्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन कर दिया। बता दें कि यह भवन बेहतर नौकरी की इच्छा रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और लड़कों को छात्रावास की सुविधा मुहैया करवाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पाइने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर इटन मौजूद रहे थे। चीन ने भारत की सराहना की है। इसको लेकर चीन ने कहा कि वो ब्रिक्स समूह की एक साल की अध्यक्षता के दौरान भारत के योगदान को मानता है और उसकी सराहना करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसका समापन हाल ही में हुआ था। ब्रिटेन सरकार की योजना के मुताबिक बड़े पैमाने पर बूस्टर खुराक की हर किसी के लिए जरूरत ये नहीं होगी, क्योंकि कोविड-19 रोधी पूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों में रोग प्रतिरोध क्षमता लंबे समय तक कायम रहती है। यह जानकारी शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टीका निर्माता कंपनी की तरफ से दी गई है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से हो रही बारिश अब आफत बन गई है। इस बारिश के कारण दिल्ली की रफ्तार रुक गई है, सड़कें जलमग्न हैं, कई वाहन सड़कों पर फंसे हैं, तो वहीं अब इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर भी पानी भर गया है, जिसके कारण उड़ानें भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी को आगामी विधानसभा में मऊ से टिकट नहीं देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद मुख्तार ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मायावती पर पलटवार किया। मुख्तार ने पहला ट्वीट किया कि जनता ने कुल 5 बार विधायक बनाया, 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आने पर भी विधायक चुना गया, उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार सही नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे में किसानों की बदहाली का खुलासा हुआ है। सर्वे के अनुसार 2019 में 50% से ज्यादा किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबे थे। इन पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज था। सर्वे की माने तो देश में आधे से अधिक किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। त्योहार से पहले सरकार ने जनता को तोहफा दिया है। कोरोना काल में महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने खानों के तेल जैसे पाम ऑयल, सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल के आयात पर लगने वाली बेस इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में CNG और PNG के दाम अक्टूबर में 10-11% तक बढ़ सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित गैस के दाम करीब 76% बढ़ने वाले हैं, जिसका असर CNG और PNG की कीमतों पर भी पड़ेगा।
भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट मैच के रद्द होने से काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार इंग्लैंड को 3 अरब रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इसमें से करीब 1 अरब रुपए तो मैच देखने के लिए आने वाले दर्शक हॉस्पिटैलिटी में ही हो गया है। हालांकि ये नुकसान होगा या फिर इसकी भरपाई हो पाएगी, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देशभर से दर्शनों के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। कटरा पहुंचने वाले भक्त पैदल यात्रा के दौरान भी माता के दर्शन से पहले उन्हें लगातार निहार सकेंगे। सुब्रमण्यम भारती की आज ही 100वीं पुण्यतिथि है और वहीं आज ही के दिन 11 सितंबर को 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण देकर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को स्वामी विवेकानंद और सुब्रमण्यम भारती को याद किया। एक नए अध्ययन से पता चला है कि कोविड 19 के लिए मॉडर्ना का टीका फाइजर या जॉनसन एंड जॉनसन की तुलना में SARS-CoV-2 वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी अधिक प्रभावी है। मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी वीकली रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन में पता चला है कि मॉडर्ना 18 साल से ऊपर के अधिक उम्र के वयस्कों में अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में 95% प्रभावी है। महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की आज 100वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर तमिल अध्ययन की चेयर गठित करने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने तय किया है कि बायोबबल ट्रांसफर के जरिए सभी खिलाड़ियों को सीधा इंग्लैंड दौरे से आईपीएल टीम में शामिल किया जाएगा। अब मौजूदा स्थिति के हिसाब से सभी खिलाड़ियों को 6 दिन के आवश्यक क्वारंटीन में रहना ही होगा। सभी फ्रेंचाइजीज टीम को बीसीसीआई द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि इंग्लैंड दौरा खत्म कर दुबई आने वाले सभी खिलाड़ी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। 10 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के लिए ब्लॉकबस्टर रहा। बता दें कि इस दिन एक से एक सुपरहिट फिल्में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। सैफ अली खान, यामी गौतम, अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर फिल्म भूत पुलिस 10 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी रविवार से 2 यूरोपीय देश पुर्तगाल और स्पेन की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लेखी 12 से 14 सितंबर तक पुर्तगाल का दौरा करेंगी। इस दौरान वो अपने समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को आंद्रे के साथ बातचीत भी करेंगी। एथलेटिक्स में भारत के एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा एक के बाद एक सपने को पूरा करते नजर आ रहे हैं। नीरज ने शनिवार को अपना एक और सपना पूरा किया। उन्होंने अपने माता पिता को पहली बार हवाई जहाज में बिठाकर एक छोटा सपना पूरा कर लिया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव के साथ राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूरदराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर घर पहुंचाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को राज्यपाल देवव्रत आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में एक चुनाव से ठीक पहले एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी यहां चेहरा बदलने जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते बारिश का बुरा हाल रहने वाला है। अगले 3 से 4 दिनों तक देश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट ने विश्व कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया को लेकर अपनी राय रखी है, जिसके तहत सलमान ने सूर्य कुमार यादव के चयन को लेकर खुशी जाहिर की। सूर्य कुमार को बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक गिना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिटी न्यूज़र का कमेंट हमें अच्छा लगा है। उनके नाम है रामाशीष पाल, मालती देवी, नुन्नू कुमार, तानिया शाह, रवि कुमार, नूरुद्दीन खान, रिया वर्मा, अमित कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद इजराइल रहमानी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों के उत्थान के लिए भारत सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।